ये है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन जो भी अभी अभी लॉन्च हुई, तो इसका ये टॉप मॉडल है और एक्सयूवी साइड से खड़ी हुई है XUV 7W। गाड़ी का तो आप ये मानो कि बहुत बेस्ट गाड़ी है। इसके क्या क्या फीचर हैं सब चीज़ें आपको बताएंगे इसके अंदर। ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए है नहीं, इसके अलॉय लगभग मेरे हिसाब से 18 इंच के अलॉय हैं इसके साथ। और गाड़ी तो ये मानो कि गुंडागर्दी करने की गाड़ी है भाई यार। क्या फॉर्चुनर, कहाँ फॉर्चुनर तो 50 लाख रुपए की आती है, ये लगभग आती है 20 लाख रुपए की। इसका टॉप मॉडल आ जाता है 23-24 लाख रुपए का। तो इसका पीछे से भी आपको मैं लुक दिखाऊं, इसका पीछे से भी अच्छा है और इसकी बैजिंग आपको मिल जाती है स्कॉर्पियो एन की। और साइड से इसका ये है पीछे का लुक और साइड का भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मतलब ये फॉर्चुनर से कम नहीं लगती है गाड़ी, ठीक है, और लग्जरी सेगमेंट में है। इसके अंदर क्या फीचर हैं वो सब कुछ आपको इसके अंदर बताएंगे। और आपको एक चीज़ बताऊँ, स्कॉर्पियो एन के साथ ये खड़ी हुई है XUV 7W। ये भी गाड़ी ठीक है, ठीक ठाक गाड़ी है, इसके सामने ये गाड़ी फीकी लग रही है। मतलब XUV 7W तो फीकी लग रही है, स्कॉर्पियो एन बहुत बेस्ट गाड़ी लग रही है अभी के समय में। तो आप देखिए अलॉय गाड़ी का लुक, और इसके ब्लैक सी से हो जाए तो और ख़तरनाक लगेगी। ये वाइट में थोड़ी और, वाइट में ठीक ठाक लगती है, इसके बाद ये ब्लैक गाड़ी में बहुत शानदार गाड़ी लगती है। इसकी ब्लैक गाड़ी में तो बहुत शानदार लगेगी, ब्लैक का तो लुक और ही शानदार है। आप इसको देखो और इसको देखो, कौन सी बेस्ट लग रही है आपको वो बताना होगा। मैं अभी बैठा हूँ स्कॉर्पियो एन में, इसकी डिस्प्ले देखो, ये सब कुछ आपको मिलेगा, सनरूफ भी मिलेगा आपको पूरा, और लेदर सीट है, आड़ास बहेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। एसी का सिस्टम है इसमें, आप देख लो सब सिस्टम आपको मिलेंगे। स्क्रीन आपको इतनी बड़ी मिलती है स्कॉर्पियो एन में, और आपको ऑटोमेटिक तो नहीं मिलता है, हैंड ब्रेक और ऑटोमेटिक गाड़ी है, नहीं ऑटोमेटिक नहीं है, नॉर्मल गाड़ी है मैनुअल। और लेदर सीट है आपको तो पता ही है। ये स्कॉर्पियो एन और ये है महिंद्रा थार और ये है XUV 7W। तो मैं आपको बताऊँ स्कॉर्पियो एन बहुत बेस्ट गाड़ी है, बहुत बढ़िया रेंज में गाड़ी है यार। क्या यार जलवे यार, स्कॉर्पियो एन वो गाड़ी लेता है, स्कॉर्पियो गाड़ी आपको पता है कौन लेता है, स्कॉर्पियो गाड़ी वो लेता है जो उसके पास नेतागिरी में है या मतलब दमदार आदमी है, एकदम पावरफुल आदमी है, पैसे का कोई काम नहीं है, वो सब कुछ ये महिंद्रा मतलब स्कॉर्पियो एन लेता है। तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, बहुत बेस्ट गाड़ी है आपके लिए, ठीक। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, देखो स्कॉर्पियो एन तो आपको लेनी चाहिए, बहुत बेस्ट गाड़ी है मेरी नज़र में तो यार, तो एकदम धमाका गाड़ी है यार, इसके बारे में तो बात ही नहीं कर सकते यार, ठीक है गाइस। और आपको इसका बाहर से और भी, इसकी एक बाहर से और आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। बाहर आप देखो, ये आपका एंट्री गेट है, इसमें ऑटोमेटिक सीट मिल जाएगी आपको अप डाउन करने की, ठीक। और ये है बाहर से लुक इसका, बेस्ट गाड़ी है यार, गाड़ी का तो कोई चाल भी नहीं है यार। देखो आप, ये स्कॉर्पियो एन वो XUV 7W और ये महिंद्रा थार, ये तीन ही गाड़ी हैं इनके यहाँ अभी पॉपुलर गाड़ी है। आप एक काम करो, स्कॉर्पियो एन एंड XUV 7W।